स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में आज विश्व जागृति दिवस के रूप में पेटेंट फ्री वैक्सीन संकल्प कार्यक्रम का आयोजन रीवा शहर सहित जिले के संपूर्ण ब्लॉकों में किया गया, जिसमें मंच से जुड़े सभी कार्यकर्ता एवं आम जन द्वारा कोविड 19 को बनाने के लिए इसे पेटेंट मुक्त करने के लिए पोस्टर एवं बैनर हाथ में लेकर कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन रीवा शहर में किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता राजेश पांडे उपस्थित रहे। स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक एडवोकेट उमेश कुमार शुक्ला द्वारा अपने उद्बोधन में बताया कि वैश्विक मानवता आज कोविड 19 के रूप में एक महामारी का सामना कर रही है। पिछले लगभग एक वर्ष में दुनिया भर में 37 लाख से अधिक और भारत में 3 से 4 लाख से अधिक लोगों की कोविड 19 से मृत्यु हो गई है। लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए दुनिया को करीब 14 अरब वैक्सीन डोज की ज़रूरत है। पिछले लगभग 6 माह में सभी 8 फार्मा कंपनियों द्वारा कोविड 19 की केवल 200 करोड़ डोज का ही उत्पादन किया जा सका। वर्तमान दर पर दुनिया की पात्र आबादी को टीका लगाने में 2 से 3 साल और लग सकते हैं, जबकि पहले से ही टीका लगाए गए लोगों को संक्रमित होने से बचने के लिए 10 से 12 महीनों के समय में सभी देशों की योग्य आबादी का टीकाकरण करना आवश्यक है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। बताइए, आज आप लोगों का प्रेस वार्ता आयोजित किए हैं और किस विषय पर लेके किए हैं और आज आप लोगों का क्या वो है? आज स्वदेशी जागरण मंच द्वारा दिनांक 20/6/2021 को भारत सहित पूरे विश्व में कोविड वैक्सीन को पेटेंट मुक्त कराने हेतु जन जागृत अभियान का कार्यक्रम रखा गया है। उस जागृत अभियान के संबंध में यह आयोजन किया जा रहा है रीवा ज़िले में। ये एक आयोजन रीवा ज़िले के अलग अलग वार्डों में सतह रीवा ज़िले के जितने भी ब्लॉक्स हैं, सभी ब्लॉक के पदाधिकारी अपने अपने ब्लॉक में कार्यक्रम कर रहे हैं जी। क्या सिर्फ रीवा ज़िले में हो रहा है और कहीं करवा नहीं, हम रीवा ज़िले के सपोर्ट ब्लॉकों में करवा रहे हैं। यह कार्यक्रम भारत के सभी जिलों में और भारत के सभी प्रदेशों में हो रहा है। जी कार्यक्रम किस तरह करवाए? यह कार्यक्रम स्वदेशी जागरण मंच द्वारा बैनर और तप्ती के माध्यम से यह करवाया जा रहा है कि वर्तमान समय में जो स्थिति है कोरोना संक्रमण की और उसमें वैक्सीन के उत्पादन के संबंध में है। वर्तमान समय में विश्व में तैयार वैक्सीन मानव संजीवनी है, लेकिन वैक्सीन पेटेंट मुक्त होने हेतु वैक्सीन का उत्पादन चंद कंपनियों के हाथ में है, जिसमें वैक्सीन उत्पादन की क्षमता विश्व की जनसंख्या के अपेक्षाकृत बहुत कम है। इसका उद्देश्य क्या है कि आप लोगों? इसका उद्देश्य यह है कि वैक्सीन का उत्पादन अधिक से मात्रा में हो, लोगों को जल्दी वैक्सीनेशन हो सके, जिससे यह संक्रमण खत्म हो। क्योंकि जिस विश्व को आज 6000 करोड़ वैक्सीन की आवश्यकता है, भारत को 200 करोड़ वैक्सीन की आवश्यकता है, लेकिन यह उत्पादन अभी तक 200 करोड़ हो रहा है। जिस तरह से वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है, उसमें पूरे विश्व में भारत में वैक्सीन कराने में 3 से 4 साल का समय लगेगा, क्योंकि वैक्सीन नहीं रहेगी तो लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो लोगों को वैक्सीन लग रही है, इस वैक्सीन की क्षमता 10 से 12 महीने की है। अगर 10 से 12 महीने में पूरे वैक्सीनेशन को नहीं हुआ, उसमें एक भी संक्रमित बच गया, तो फिर संक्रमण फैलने के चांसेस 90% ज़्यादा है। इसलिए यह वैक्सीनेशन पेटेंट फ्री हो, अधिक कंपनियों को वैक्सीन उत्पादन का काम मिले, वैक्सीन का उत्पादन हो और जिससे सबको वैक्सीनेशन हो सके, वो काम चालू किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश शुक्ला एडवोकेट। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा WTO के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की है कि विश्व व्यापार संगठन वैक्सीन उत्पादन के कानून के लिए में नरमी बरते, उसके लिए भारत में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। पूरे भारत में 15 लाख लोगों ने डिजिटल हस्ताक्षर कर समर्थन किया है, जबकि विंध्य महाकौशल प्रांत में 50,911 लोगों ने डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें रीवा जिले अकेले महाकौशल में 7,995 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। रीवा में
अपने मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम जी ने डिजिटल हस्ताक्षर पर अपनी समर्थता जाहिर की है। इसी तरह रीवा संसद माननीय जनार्दन मिश्रा जी ने भी डिजिटल हस्ताक्षर कर इसको समर्थन दिया है।